For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मिसबाह मलिक है. मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में पिछले 25 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ. और नहायत ही मुख्तसरन बताऊँगी गायनी और ऑप से रिलेटेड सारे मसले, जैसे बच्चियाँ, उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स, उनमें ओवेरियन सिस्ट के प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पीरियड से रिलेटेड इरेगुलरिटी और पेंस के प्रॉब्लम्स, शादी होने पर जो बच्चियों को प्रॉब्लम्स पेश आती हैं वो, प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, यूट्रस के प्रॉब्लम्स, फाइब्रॉइड यूट्रस, उनके ऑपरेशन ओपन सर्जरी से या लेज़र सर्जरी से और कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सारी मेरी स्पेशलिटी हैं और मैं 25 साल से इन में अपना खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ. प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट का नॉर्मल रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर प्रेग्नेंट पेशेंट्स में होने चाहिए. और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली कुछ मरीज़ों में इंडिकेटेड होते हैं, उनमें करने चाहिए और हर प्रेग्नेंट पेशेंट में उनके करने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होकर आती है, उसके कुछ बेसलाइन टेस्ट करवा लिए जाते हैं, जिसमें उसका ब्लड ग्रुप, उसमें CBC, यूरिन कंप्लीट, ब्लड शुगर लेवल, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग, ताकि मालूम किया जा सके कि ब्लड ग्रुप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो वो की जाए. खून की कमी है तो उसको शुरू दिन से ही ट्रीट किया जाए विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड ड्रिप्स इफ रिक्वायर्ड. ब्लड शुगर लेवल होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई डायबिटीज़ का एलिमेंट है तो उसको भी हम वक्त पर ही पकड़ लें और उसको मैनेज करें. यूरिन कम्प्लीट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो वो भी करवा के देखते रहें ताकि उसको वक्त के वक्त हम ट्रीट करें. इसी तरह बी और सी स्क्रीनिंग, क्योंकि ये बिल्कुल हिडन सी चीज़ें हैं जो कि टेस्ट के बगैर बहुत लेटर स्टेज पे इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं. टेस्ट पे पता चलता है अगर एक पेशेंट को किसी भी वजह से, किसी गलत मरीज़ के इंजेक्शन लगने की वजह से या गलत प्रिक लगने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी हमारे सामने आए ताकि हम उस मरीज़ के ज़रिए दूसरे मरीज़ को इस बीमारी को फैलने के मसले को वहीं पर कंट्रोल कर सकें. इसके अलावा हर कुछ महीने के बाद ये टेस्ट रिपीट करने चाहिए ताकि पता चले कि इनमें फर्दर कितनी इम्प्रूवमेंट है या खुदा ना खास्ता और कितना इसमें ख़राबी हो रही है. अगर एक पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे रिलेटेड उसके गुर्दों के टेस्ट होने चाहिए, लिवर के टेस्ट होने चाहिए, ब्लड के कुछ खास टेस्ट जो कि आम प्रेग्नेंट पेशेंट में ज़रूरी नहीं है वो उनमें होने चाहिए. इसी तरह अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसके भी आँखों का चेकअप होना चाहिए, गुर्दों का चेकअप होना चाहिए, लिवर का चेकअप होना चाहिए. डायबिटीज़ से जो जो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं वो वाले ब्लड और यूरिन टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं. इसी तरह अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड पेशेंट के प्रेग्नेंट होते ही होता है जो कि डेटिंग स्कैन है, जिसमें मालूम किया जाता है कि प्रेगनेंसी की लोकेशन यानी वो यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है और उसमें हार्ट बीट है कि नहीं, और उससे हम फाइनल डेट निकालते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. सेकेंडली एक अल्ट्रासाउंड 18-22 वीक्स में होना बहुत ज़रूरी है, इसको एनोमली स्कैन कहते हैं. इस स्कैन के ऊपर ये जानना होता है कि बच्चे की बनावट, उसकी नशोनुमा, उसकी ग्रोथ बिल्कुल प्रॉपर हो रही है कि नहीं, उसमें खुदा ना खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हड्डियों का मसला, दिमाग का मसला, दिल का मसला, इस तरह के इश्यूज़ इस मौके पर हमारे सामने आ सकते हैं. और कभी कभी ऐसे मौके पर अल्लाह ना करे कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी डायग्नोस हो सकती है जिस पे ये फैसला किया जाना चाहिए कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाए. ये बच्चा पैदा होने पे या तो अलाइव ही नहीं होगा या अगर होगा तो बहुत बुरी तरह से हैंडीकैप्ड होगा, तो बेटर टू टेक सम स्टेप. और अगर यहाँ सब खैरियत है, जो कि जाहिर है कि हाई परसेंटेज पे खैरियत ही होती है, तो फिर हम मुतमिन होकर आगे प्रेगनेंसी को बढ़ाते हैं. और फिर एक फ़ाइनल एक अल्ट्रासाउंड बच्चे के इर्द गिर्द के पानी को देखने के लिए, उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, प्लेसेंटा की लोकेशन जिसको ऑल कहते हैं वो कैसा है, बच्चे की हरकत कैसी है, उसके दिल की धड़कन कैसी है, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड हो सकता है. हर विज़िट पर एक अल्ट्रासाउंड होना में कोई हर्ज नहीं है, मरीज़ की भी तसल्ली हो जाती है, डॉक्टर की भी तसल्ली हो जाती है, लेकिन डिटेल स्कैन ये तीन होने बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किए हैं.
अगली वीडियो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ वो तमाम मसाइल और उनके हल डिस्कस करूँगी जो बेशतर प्रेग्नेंट पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। लिहाजा अपनी वीडियो के ज़रिए जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती होंगी मैं उसमें करूँगी। इस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी ख़वातीन के साथ शेयर करें, ताकि जो पेशेंट ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट होने का इरादा रखती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।